हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो है यूट्यूब में मैं काफी देख रही हूँ कि आपको बताया जा रहा है कि एसएसटी का जो सैंपल पेपर है वो उसके वेटेज से मैच नहीं हो रहा, या फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने भी हर एक सब्जेक्ट के ब्लू प्रिंट जो है आपके लिए रेडी कर रखे हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने दोबारा से रीचेक किया कि यहाँ पर जो है आपके जो सीबीएसई ने जब सिलेबस दिया था तो हर एक यूनिट जो है एसएसटी की वो 20-20 मार्क्स में थी। जितनी भी चार यूनिट्स है यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, वो चारों 20 मार्क्स की थी। तो जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी तो मेरे अकॉर्डिंग भी जो हिस्ट्री है वो टोटल 20 मार्क्स की है, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स की बैठ रही है, और इस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो भी 20 मार्क्स का है, और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी 20 मार्क्स का है। तो ये सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, जो बोल रहे कि चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है उसमें से कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो मैंने दोबारा से रीचेक किया और दोबारा से इसको एनालाइज किया और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ जो कि 100% प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से चैप्टर में से सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 1 मार्क्स का एमसीक्यू है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास सैंपल पेपर है 2023 का ही, क्लास नंबर 10 का। तो एमसीक्यू में सेक्शन में, सेक्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से ही तो लिया गया है। यहाँ पर आपको रिसोर्सेज दिए हुए हैं एक कॉलम में, और एक कॉलम में उसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नेशनल रिसोर्सेज है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में से लिया गया है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये भी ओपन हुआ हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे पेज नंबर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपके पास मेंशन है, और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यहाँ पे बायोटिक और नॉन बायोटिक में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छे से रीड करेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप चेक करेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल है वो फॉसिल फ्यूल है। तो अच्छे से इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें से आपको नहीं मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आप देख सकते हैं, इसको भी डिवाइड किया गया है नेशनल रिसोर्सेज में और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो नेशनल रिसोर्सेज में आपको पता चलेगा वो रिसोर्सेज आते हैं जो नेशन के होते हैं, यानी कि रोड्स, केनाल्स, रेलवेज, तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि ओशन, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो आपके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेशनल रिसोर्सेज हैं रोड्स, केनाल्स एंड रेलवेज, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं ओशनेटिक रिसोर्स। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ही तो है। तो यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई द यूट्यूबर्स आर कन्वेइंग रॉन्ग मैसेजेस टू यू, दे आर गोइंग टू कंफ्यूज यू। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से एक एमसीक्यू आया है लेकिन आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है बिल्कुल सेम वैसा ही पढ़े जैसे कि इसकी वेटेज है। आपको हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, बस आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है जिसकी ज्यादा वेटेज है और जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जो कि हर एक चीज मैंने आपको अच्छे से अपनी वीडियो में बता रखी है, तो आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं और आप बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट में सीबीएसई ने बिल्कुल वही सैंपल पेपर बनाया है जो उसने अपने सिलेबस में बनाया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है और हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट यूनिट पता चल जाती है कि कौन सा अच्छे से करना है और कौन सा कम अच्छे से करना है, जिस चैप्टर पे आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है जिसमें से ज्यादा मार्क्स पूछे गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सीबीएसई ने जो वेटेज दी है अपने सिलेबस में वो बिल्कुल सही है, और सैंपल पेपर में बिल्कुल उसी हिसाब से उसने फॉलो किया है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो। तो आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।